नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार रंका से, प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका मुख्य बाजार में अवैध रूप से शराब बेच रहे दो लोगों को पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। इस संबंध में बताते चलें कि आज दोपहर 3 बजे दिन में रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने रंका मुख्य बाजार के सब्जी मार्केट में अवैध रूप से शराब बेच रहे एक महिला एवं एक पुरुष को पकड़कर न्यायिक हिरासत गढ़वा में भेज दिया है। पिछले कई सप्ताहों से रंका थाना को लोगों के द्वारा सूचना दी जा रही थी कि रंका सब्जी बाजार में अवैध रूप से महुआ का शराब बेची जाती है और वहां नवयुवक शराब का नशे का शिकार हो रहे हैं, जिसका रंका थाना प्रभारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रंका मुख्य बाजार से 40 लीटर महुआ शराब के साथ जसोदा उराम एवं कामेश्वर बैठक को शराब बेचते पकड़ा और दोनों को न्यायिक हिरासत गढ़वा भेज दिया है। धन्यवाद। गीतांश टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।